आज एक ऐसा ट्रैक एक्सप्लोर करेंगे जहां पे आप आपके पूरे परिवार के साथ जा सकते हो। कोरीगढ़ फोर्ट के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जो जैसे दिखता है आपको वो है कोरीगढ़ कोरीगढ़ फोर्ट के लिए पहले आपको पेड शाहपुर आना पड़ेगा, जो इसका बेस विलेज है एंड ये लोनावाला में आता है। तो पेट शाहपुर आने के बाद आप यहाँ पे जो पैन पार्क है वहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। कोरीगढ़ फोर्ट जाने के दो रूट है। आपको जो बोर्ड दिखा पेट शाहपुर का, उसके पीछे का तार रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा एंड वो आपको गांव पहुंच जाएगी। वहां पे मंदिर पहुंचते ही आपको राइट लेना पड़ेगा जो आपको कोरीगढ़ फोर्ट की ओर लेकर जाएगी। एंड दूसरा जो है वो आपको शॉर्टकट है, जो थोड़ा कच्चा रास्ता है, एंड जो इलेक्ट्रिक पोस्ट दिखा आपको उसके बाजू से आपको जाना पड़ेगा। तो पेन पार्क के बाद आपको छोटा सा ऐसा वेल दिखेगा, तो उसके बाजू से आपको चलना है एंड फिर आपको कच्चा रास्ता मिलेगा रास्ते के साइड से लेफ्ट साइड में। तो आपको वो वाला रास्ता पकड़ना है जो आपको पहुंचाएगी ये इलेक्ट्रिक पोस्ट के बाजू से। अच्छा, रास्ता चालू होता है। सो आपका कोई घूमने का कोई चांस नहीं, एक सिंगल पाथ है। कोरीगढ़ फोर्ट में आप प्राइवेट व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो गूगल मैप्स में पेट शाहपुर टाइप कीजिए, पार्किंग से आपका ट्रैक चालू होगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो आपको लोनावाला एसटी डिपो से पेट शाहपुर के लिए बस मिलेगा। पेट शाहपुर बस स्टैंड के पीछे से ट्रैक चालू होता है। एंड ये है वो इलेक्ट्रिक पोस्ट एंड रास्ता जाते हुए इसके राइट साइड से। पेट शाहपुर बस स्टैंड पार्किंग लॉट से आपको 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा कोरीगढ़ किले के स्टेप्स तक। अगर आप गांव के रास्ते से आओगे तो वो रहा सामने पार्किंग लॉट, फिर टार रोड आपको पहुंचेगी वो मंदिर जो गांव में आता है, एंड वहां से फिर आपको राइट लेके वो जो इलेक्ट्रिक पोस्ट दिखा वहां पे जाना है। एंड ये रास्ता भी वहीं पे पहुंच जाएगी जिसके बाद वो स्टेयर्स चालू हो जाएंगे। ये जो रास्ता है ये गांव से आता है, तो अगर आप गांव जाके आओगे तो मंदिर से राइट लेने पे तो आपको यहाँ पहुँचेंगे। ये मीटिंग पॉइंट है दोनों रास्ते का और हमें जाना है सीधा। सो ये रहा लेफ्ट साइड में दूसरा इलेक्ट्रिक पोस्ट। सो आपको ये याद रखना है कि अगर जब शॉर्टकट रूट से आओगे तो आपको पहले जो पोस्ट दिखेगा उसके बाजू से आना है एंड कीप वॉकिंग स्ट्रेट, एंड जो सेकंड इलेक्ट्रिक पोस्ट है उसके बाजू से जाना है। एंड आप लिटरली फोर्ट के एक चक्कर आधा चक्कर काटते हो ऐसा होगा, एंड जो दूसरा इलेक्ट्रिक पोस्ट है उसके जस्ट पहले शॉर्टकट वाला रूट और गांव का रास्ता दोनों मर्ज होता है। फिर आपको 15 मिनट के बाद दो डाइवर्जेंस में दिखेंगे, आपको राइट वाला लेना है। एंड यहाँ पे दो रास्ते जाएंगे, एक स्ट्रेट और एक राइट साइड में, तो आपका राइट वाला रास्ता लेना है आपको। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में ऐसा ये भी डायरेक्शन भी दिखेगा कोरीगढ़ किले खड़े। इसके आगे का रास्ता झाड़ों से कवर, तो आपको गर्मी का तकलीफ नहीं होगा। कवर के बाद स्टेयर्स चालू होगा एंड स्टार्टिंग में ही लेफ्ट साइड में एक ब्लू बोर्ड है जिसमें कोरीगढ़ फोर्ट का इन्फॉर्मेशन दिया गया है एंड उसके सामने एक स्टॉल है जहाँ पे आपको नींबू पानी और स्नैक्स मिलेगा। एयर्स में चलने के 15 मिनट में ही गणेश मंदिर और गुप्त गुफा आता है। यह रेस्ट करने के लिए चेयर्स बनाए गए हैं। गुप्त गुफा खाली है।
गणेश मंदिर के 5 मिनट के बाद राइट साइड में पहला वाटर टैंक है, लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं है। ओरिगढ़ फोर्ट के बुरुज और फोर्ट वॉल्स अभी भी इंटैक्ट है। पहले वाटर टैंक के 5 मिनट के अंदर ही और एक वाटर टैंक है। अनफॉर्चुनेटली इस वाटर टैंक का भी पानी पीने लायक नहीं है। दूसरे वाटर टैंक के आगे लेफ्ट साइड में एक केव है। केव के आगे एक बुरुज है एंड उसके लेफ्ट साइड में पीछे ही खूबसूरत महादरवाजा है। महादरवाजा के एंट्री के बाद आपको दोनों साइड में फोर्टिफिकेशन दिखेगा और आगे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा केव है। कुछ स्टेप चढ़ने के बाद हम कोरिगढ़ फोर्ट के टॉप में आ जाते हैं। कोरिगढ़ फोर्ट का दूसरा नाम है कोरिगढ़ फोर्ट। ये लोनावाला में आता है जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। ये फोर्ट की ऊंचाई है 923 मीटर या 3028 फीट। यहाँ 3 प्लेक्स, कुछ रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स, केव्स, गणेश मंदिर, महादेव मंदिर और कोरा देवी का मंदिर है। नीचे जो टाउन दिखा वो एम्बी वैली है। हम पहले बुरुज के यहाँ पे आए। ये पेट शाहपुर के साइड में है। दूसरा बुरुज ओपोजिट साइड में है जो अंबावने गांव के साइड आता है। कोरिगढ़ फोर्ट के दोनों साइड में एम्बी वैली का टाउनशिप है। इस फोर्ट का रिनोवेशन भी एम्बी वैली के कमिटी ने किया था। कोरिगढ़ फोर्ट का पूरा सर्कम्फ्रेंस है 2 किलोमीटर एंड आप पूरा फोर्ट वॉल्स में चल सकते हो। महादरवाजा के ऑपोजिट साइड में 3 केव्स है। पहले केव में पानी है एंड एक ऑरेंज कलर का मूर्ति है। बाकी दोनों केव्स में पानी नहीं है लेकिन कनेक्टेड है। अब हम अंबावने दरवाजा की ओर जा रहे हैं। कोरिगढ़ फोर्ट के वॉल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है पेट शाहपुर साइड के वॉल्स जो अभी रिसेंटली रिनोवेट किए गए हैं एंड दूसरा है अंबावने साइड के वॉल्स जो अभी भी इंटैक्ट हैं। यहाँ चलने का कुछ और ही मजा है। एक साइड 2000 फीट की खाई हवा एंड खूबसूरत नज़ारे। वो आपका पहला लेक एंड यहाँ सेकेंड लेक, सामने है महादेव मंदिर, ये तीसरा लेक और ये गणेश मंदिर है एंड वो थोड़े रिमेनेंट्स है इस फोर्ट के। और हम लोग वहां से आए थे जो पेट शाहपुर का रास्ता जो है वहां पे आता है। सामने कोराई देवी मंदिर है
ये कोराई देवी का मंदिर है एंड ये है लक्ष्मी टोप, कोरीगढ़ किले का सबसे बड़ा टोप। यह 6 टोप या कैनियंस है एंड बाकी जो है वो महादेव मंदिर के सामने रखा गया है। ये कोराई देवी का मंदिर है, इस मंदिर से कोरीगढ़ फोर्ट का नाम रखा गया है। मंदिर के सामने ही एक बड़ा लैंप पोस्ट है। कोराई देवी मंदिर के सामने ही एक वाटर टैंक है लेकिन पानी क्लीन नहीं है। ये जो फोर्टिफिकेशन है ये अभी तक है। ये अंबावने दरवाजा है, ओके तो आप यहाँ से आओगे। ये काफी है। सामने एक फोर्ट का दूसरा बुरुज है। राइट साइड में कुछ स्ट्रक्चर्स है, अगर आपको यहाँ जाने का रास्ता पता है तो प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए, हमें यहाँ जाने का रास्ता नहीं मिला। अभी हम दूसरे बुरुज में आ गए। किसी अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ सामने पहला बुरुज है जहाँ से हम अभी अभी आए। आप ये महादरवाजा देख लीजिए कितना खूबसूरत है। ये महादेव मंदिर है, दरवाजा के सामने आता है। यह 4 टोप या कैनन रखे हैं। आपको ऊपर स्नैक्स के लिए 2 स्टॉल्स मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए। घनगढ़ फोर्ट ट्रैक के लिए आप राइट वाला एंड स्क्रीन क्लिक कर सकते हो एंड सरसगढ़ फोर्ट ट्रैक के लिए आप लेफ्ट वाला एंड स्क्रीन क्लिक कर सकते हो। थैंक यू।